दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आइसक्रीम को कैसे काटा जाए क्लीनली, बिल्कुल साफ तरीके से कैसे काटा जाए। हम आइसक्रीम मार्केट से लाते हैं, उसके बाद हम पैकेट खोलते हैं, काटते हैं, काफी सारी आइसक्रीम पिघल जाती है, काफी सारी पैकेट में लगी रह जाती है। तो आज मैं आपको इसको काटने की बहुत ही आसान ट्रिक बताने जा रहा हूं, बहुत आसान ट्रिक दोस्तों। आप इसे पैकेट सहित काट लें। इसके लिए एक है नाइफ आपके पास जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नाइफ थोड़ा बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि साधारण नाइफ से आप काटेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। और आप चाहें तो इसे काटने के लिए 2 मिनट पहले, बहुत ज्यादा समय नहीं देना आपको। देखिए कितनी क्लीनली ये कट गई, और क्लीनली ये कट के देखिए इससे बाहर निकल आई। अब इसके ऊपर का आप रैपर हटा के इसे किसी प्लेट या किसी भी चीज में बहुत आसानी से डाल सकते हैं। ये बिल्कुल इतनी ही क्लीन रहेगी जितनी ये क्लीन है, आप देख सकते हैं। तो आइसक्रीम काटने की और उसके ब्रिक को काटने की, आइसक्रीम के ब्रिक को कैसे आसानी से काटा जाए, ये आज आप देखे सीख जाएंगे। ये है ना, बहुत आसान सी तरकीब है। गर्मियों में हम आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन काटने में हमारी आइसक्रीम काफी सारी बर्बाद हो जाती है। तो आप चाहें तो फ्रिज से सीधे निकाल के भी काट सकते हैं अगर आपके पास तेज चाकू, या फिर 2 मिनट आप रख के काट लें। पर ऐसी क्लीन कट गई, कटने के बाद बस खाने का काम बचता है। खाइए, हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।